एक चित्रकार अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को उस पेंटिंग के बारे में बताता है। अल्मोड़ा के रहने वाले एक ऐसे ही चित्रकार हैं जिनकी पेंटिंग जल्द ही इटली में प्रदर्शित होने वाली है। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में चित्रकला के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर चंद जोशी जी के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में। और इस पेंटिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इस पेंटिंग की खास विशेषता है और ये कब बनाई गई थी आपके द्वारा। धन्यवाद। ये चित्र मेरे द्वारा दिसंबर 2022 में बनाया गया। इस चित्र में मैंने अपने नाखूनों से कागज़ पर इसको उकेरा है और जल रंगों द्वारा फिर इसको बनाया है। ये चित्र फेवरियानो, जो एक प्रसिद्ध पेपर बनाने वाली कंपनी होती है और वो प्रति वर्ष आयोजन करती है इटली में, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ से अपनी इस पेंटिंग को वहाँ भेज पा रहा हूँ। कैसे देखते हैं सर ये जैसी जो पेंटिंग आपके द्वारा बनाई गई है, आप कितने सालों से इस विभाग में जुड़े हुए हैं, साथ ही कब से आप पेंटिंग का शौक रखते हैं? मैं चित्रकला से, जब मैंने हाई स्कूल किया था तो मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी था, उसके बाद से मैंने चित्रकारिता प्रारंभ की। मेरे कला गुरु श्री इम्तियाज अली खां जिनसे मैंने चित्रकारी सीखी, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं धीरे धीरे आर्ट्स कॉलेज में पढ़ने चला गया लखनऊ, और उसके बाद फिर उच्च स्तर तक मैंने कला की शिक्षा ली, यहाँ तक कि डीलिट भी इसमें किया कुमाऊँ विश्वविद्यालय से, और पीएचडी तो मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से किया, और कोरिया फाउंडेशन सियोल कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मुझे मिली, और वहाँ से मेरी चित्रकारिता में बड़ा निखार आया और एक नई दिशा मुझे मिली। सर किस तरह से देखते हैं आजकल की युवा पीढ़ी है जो चित्रकला की ओर बढ़ तो रही है, उनके लिए क्या सुझाव है? जैसे आपने पेंटिंग बनाई, आप बता रहे हैं कि नाखूनों से इस पेंटिंग को मैंने बनाया है, तो उसके बारे में कैसे देखते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है? मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि चित्रकला या चित्रकारिता अभिव्यक्ति का और हमें स्ट्रेस फ्री रखने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हमें इसमें कार्य करने से प्रसन्नता मिलती है और जो इसको देखता है उसका भी मन प्रसन्न होता है। सर इस पेंटिंग में और क्या क्या इसमें विशेषता दिखाई गई है? इस चित्र में इसका शीर्षक है अफेक्शन, जिसको कि हिंदी में हम कहें कि प्रेम। प्रेम ही मानव की एक ऐसी सच्ची भावना है जो आज ही नहीं बल्कि ये प्राचीन काल से, प्रागैतिहासिक काल से हमें मिलती आई है, और इस चित्र में मैंने प्रागैतिहासिक काल की उन सभी चीज़ों को उकेरने की कोशिश की है, और वही मूल भावना रही है, उसी के द्वारा मैंने आकार और रंगों का प्रयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर शेखर चंद जोशी जी, उनका बताना है कि उनके द्वारा इस पेंटिंग को जल्द ही इटली में प्रदर्शित किया जाएगा और इससे स्थानीय लोगों और चित्रकला वर्ग के लोगों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।